गुड मॉर्निंग एवरीवन स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन नेट झारखंड पे फ्रेंड्स आज है 19 मई और आज के इस वीडियो में हम लोग 19 मई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखने वाले हैं 19 मई के झारखंड के करंट अफेयर्स से जितने भी सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखा कीजिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं और वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो शुरू करते हैं शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगी फ्रेंड्स डेली मॉर्निंग पाँच बजे यहाँ पे करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण वीडियो आती है तो आप इसे जरूर से देखा करें साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी वहां पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ डेली बेसिस पे शाम के सात बजे तक प्रोवाइड कर दी जाती है तो चलिए फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं और आज के करंट अफेयर्स का सबसे पहला प्रश्न है हाल ही में झारखंड के चार जिलों के लिए कितनी वर्षीय बायोटेक किसान हब योजना शुरू जो है उसकी शुरुआत की गई है तो कितनी वर्षीय बायोटेक किसान हब योजना की शुरुआत की गई फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दो वर्षीय ठीक है तो हाल ही में झारखंड के चार जिलों के लिए दो वर्षीय बायोटेक किसान हब योजना की शुरुआत की गई है तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे इस प्रश्न से संबंधित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने देश के 117 पिछड़े जिलों में बायोटेक किसान हब योजना लागू की है इसके तहत झारखंड के चार पिछड़े जिलों गुमला लोहरदगा पलामू और चतरा के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है ठीक है तो इस योजना के लिए जो शुरुआत की गई है गुमला लोहरदगा पलामू और चतरा के लिए ठीक है तो इन चार जिलों को भी याद रखिएगा इन चार जिलों के लिए जो है बायोटेक किसान हब योजना शुरू की गई है ठीक है अच्छा इस जो है योजना की लागत कितनी है इस दो वर्षीय योजना की लागत 1.92 करोड़ है ठीक है तो वो एक दशमलव नौ दो करोड़ इस योजना की लागत है इसे भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखा कीजिएगा ठीक है चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं हाल ही में देश के समक्ष कोरोना से लड़ाई में झारखंड का कौन सा जिला रोल मॉडल बनकर उभरी है ठीक है तो हाल ही में देश के समक्ष कोरोना से लड़ाई में झारखंड का रांची ज़िला कौन सा रांची जिला जो है वो रोल मॉडल बनकर उभरी है तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची ठीक है चलिए फ्रेंड्स इसके इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे देश के विभिन्न शहरों की तुलना में रांची का रिकवरी रेट कोरोना संक्रमण के मामले में सबसे बेहतर है ठीक है देश के समक्ष कोरोना से लड़ाई में रांची रोल मॉडल बनकर उभरी है ठीक है चलिए तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अर्जुन पुरस्कार के लिए झारखंड की एकमात्र महिला ओलंपियन कौन चयनित की गई है ठीक तो है तो एकमात्र महिला ओलंपियन है निक्की प्रधान इनका नाम जो है अर्जुन पुरस्कार के पुरस्कार के लिए चयनित की गई है तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निक्की प्रधान ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं हॉकी झारखंड ने रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली व वा टोक्यो ओलंपिक की तैयारी कैंप में शामिल झारखंड की एकमात्र महिला ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए हॉकी इंडिया के पास भेजा है ठीक है तो इनका नाम है जो है निक्की प्रधान ठीक है तो इनको आप विशेष रूप से याद रखा कीजिएगा चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के कितने कोल ब्लॉकों जो है की नीलामी की घोषणा की गई है ठीक है कितने कोयला के ब्लॉकों की जो है नीलामी की घोषणा की गई है फ्रेंड्स तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के बाईस कोल ब्लॉकों को ठीक है तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाईस ठीक है बाईस कॉल ब्लॉकों की नीलामी की घोषणा की गई है तो हम लोग इस प्रश्न से सम, जो संबंधित पॉइंट्स हो सकते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे फ्रेंड्स कोविड इफेक्ट से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में कॉल सेक्टर की अहम भूमिका होगी इसे लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार झारखंड स्थित जो है 22 कोल ब्लॉक की जल्दी नीलामी की जो है की जाएगी ठीक है माफ़ी चाहता हूँ यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है जो है बाईस कॉल ब्लॉकों की जल्दी नीलामी की जाएगी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कॉल ब्लॉकों की नीलामी के साथ चार खनिजों के ब्लॉक की भी नीलामी की घोषणा की गई है तो चार खनिज ब्लॉक और जो है बाईस कोयला ब्लॉकों की ठीक है इसकी नीलामी की जाएगी ताकि अर्थव्यवस्था की जो पटरी है वो आ, सही हो सके ठीक है अर्थव्यवस्था जो है अभी लॉकडाउन के दौरान बहुत ही चरम स्थिति पे पहुंच गई है तो उसकी जो है अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके इसके लिए झारखंड के 22 कॉल ब्लॉकों और चार खनिज खनिज ब्लॉक की नीलामी की घोषणा की गई है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हाल ही में किसानों को खेती किसानी से संबंधित अद्यतन जानकार जानकारी देने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है तो किसानों को खेती किसानी से संबंधित अद्यतन जानकारी देने के लिए एक ऐप लॉन्च की गई है और इसका नाम है फ्रेंड्स विवेक कृषि ऐप ठीक है तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विवेक कृषि ऐप ठीक है चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ लो, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लॉकडाउन के दौरान रांची के किसानों को खेती किसानी से संबंधित अद्यतन जानकारी देने के लिए मोरहाबादी रामकृष्ण विवेक शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान की पहल में विवेक कृषि ऐप लॉन्च किया गया है ठीक है तो विवेक कृषि ऐप है इनका नाम इसे आप विशेष तौर पर ध्यान रखा कीजिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐप से सलाह देने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है ठीक है चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में राज्य के सरकारी स्कूलों में उपलब्ध कंटेंट में से किस नए विषय की डिजिटल कंटेंट को भी सम्मिलित किया गया है ठीक है एक नया कंटेंट को भी इसमें सम्मिलित किया गया है जो है राज्य के सरकारी स्कूलों में जो उपलब्ध कंटेंट थी तो इस नए कंटेंट का नाम क्या है कौन से विषय का कंटेंट ऐड किया गया है तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी संस्कृत ठीक है तो संस्कृत विषय का एक न्यू कंटेंट जो है ऐड किया गया है ठीक है तो हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं राज्य के सरकारी स्कूलों में संस्कृत विषय के लिए भी जो है डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा इसके साथ ही दूरदर्शन के माध्यम से भी इसकी जो है पढ़ाई संस्कृत को भी पढ़ाई में शामिल किया जाएगा ठीक है तो संस्कृत सब्जेक्ट को पढ़ाई में दूरदर्शन के माध्यम से भी शामिल किया जाएगा ठीक है चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का आंसर ऑफ द डे है ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन ऑफ़ द डे में दिया गया था ठीक है तो क्वेश्चन uh, का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि आप लोगों ने विभिन्न जो है डिफरेंट आंसर दिए थे जो राइट right आंसर हो सकती है इस क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्थान के छात्र द्वारा विशेष कोविड अनुमंडल अस्पताल में जो है आइसोलेशन वार्ड को संचालित करने के लिए रोबोट को असेंबल किया गया है ठीक है तो इसके लिए जो राइट right आंसर हो सकता है यहाँ पे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज ठीक है दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के द्वारा जो है विशेष कोविड अनुमंडल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड को संचालित करने के लिए एक विशेष जो है रोबोट को असेंबल किया गया है ठीक है तो चलिए हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं इससे पहले यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं विशेष कोविड नाइन्टीन अस्पताल में चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से दो यांत्रिक मशीनों का उद्घाटन किया गया असेंबल किए गए रोबोट का नाम सावित्री एवं धन्वंतरी रखा गया है ठीक है तो एक रोबोट को असेंबल किया गया है और जिसका नाम दिया गया है सावित्री एवं धनवंतरी ठीक है तो इसको भी याद रखा कीजिएगा इनका नाम है सावित्री एवं धन्वंतरी ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और जो कि है क्वेश्चन ऑफ द डे इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है ठीक है तो क्वेश्चन है हाल ही में निर्मित दुनिया का पहला हिंदी भाषी रोबोट का नाम क्या है ठीक है दुनिया का पहला हिंदी भाषी रॉबोट का नाम क्या है फ्रेंड्स ये आपको बताना है इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं सोफिया रश्मि चेतना या सावित्री तो प्रयास कीजिएगा आप इसका सही आंसर कमेंट में दे सकें ठीक है तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा जो है 19 मई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उससे संबंधित प्रश्न तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे जरूर से लाइक एंड शेयर किया कीजिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और इस प्रश्न से संबंधित आज के इस वीडियो के से संबंधित अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं ठीक है चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ नमस्कार